mind both are working active-active. अब to make this thing work, कि ये ऐसे ही चले, PSN 1 पे जब हम डिवाइस एडमिन सर्विस डिसेबल कर दें तो ये फॉल बैक करे टू PSN 2, उसके लिए अब हमें आई फील अपनी नोड को पैच करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर फ्यू पैचेस अवेलेबल ऑन सिस्को's वेबसाइट एंड सिस्को इज रिकमेंडिंग टू पैच योर आईस 2.7, बिकॉज आईस 2.7 अभी भी ऑनलाइन गोल्ड स्टार है. गोल्ड स्टार मीन्स रिकमेंडेड है to use, but it is gold star with certain patches. तो उन patches को apply कर देंगे हम ICE 2.7 पे. Although हमने patches लगाना end पे सीखना था course में troubleshooting और maintenance के अंदर, but इस वक्त हमारी इस particular point के ऊपर एक नुक्ता सामने आ गया है, ये जो listener वाला है, तो हम इसकी patching जो है वो कोशिश करेंगे कि next time हम इसको कर लें. So this is the explanation of an abnormal or unusual behavior which we faced last time. Okay, let me give these machines a reboot, and in the meanwhile we will start talking about the next item in agenda. ठीक है जी, और रीबूट के बाद यू अंडरस्टैंड कि इसके सीएलआई में जाके we can use command show application status ICE, और इस कमांड की आउटपुट में वी नीड टू सी कि हमारी एप्लीकेशन सर्वर की जो सर्विस है वो जब रनिंग में आ जाएगी तो इट मीन्स सिस्टम वापस रीयूजेबल हालत में आ गया, एंड इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ 15 to 20 minutes टू come into running position. So let's just see कि वो initializing में है, and then we can start talking about our topic. Okay, not running. So अभी तो system जो है has just started. It will take around 15 to 20 minutes. हम discuss करते हैं next point को, and then after that, till the end of that discussion, ये initialize हो चुका होगा. अच्छा, तो Catalyst NAD के हवाले से multiple PSNs को configure करना और PSNs के दरमियान जो fallbacks हैं उसका जो सिनेरियो है, अगर तो लोड बैलेंसर होता तो यहाँ एक ही PSN होता, हमें दो बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोड बैलेंसर नहीं है तो हमें मल्टीपल PSNs बनानी पड़ी हैं, और इस कमांड में जो सीक्वेंस है जिसमें हम PSN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं दैट मैटर्स. अच्छा, उसके बाद हमने प्रिविलेज लेवल्स की डिस्कशन कर ली थी, और वी टॉक्ड के सिस्को iOS के अंदर प्रिविलेज लेवल है 0 से लेकर 15 तक. 0 means no access, 1 means it is greater than sign mode, 15 means hash sign. 2 से 14 सारे custom privilege levels हैं, और इन सब की जो by default privilege setting है वो 1 के equal है.
और जितनी भी कमांड्स हैं वो उनकी जो इनहेरिटेंस है वो अपवर्ड होती है, यानी अगर हम टू में कोई प्रिविलेज दे देंगे तो वो 3, 4, 5, 6 अप टिल 15 वो ट्रेवल करेगी। बट ये जो कस्टम प्रिविलेज लेवल्स हैं, हमने ये बात की थी कि ये आप तब यूज करते हैं अगर आपके पास आइस नहीं है, तो ये आपको iOS के अंदर लोकली अगर करना है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और लोकली करने के लिए, यूज करने के लिए हमारे पास प्रिविलेज की कमांड है जो हम अपने iOS के अंदर लोकली यूज कर सकते हैं। इसका कोई ताल्लुक आइस के साथ नहीं है। इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं क्विकली, ताकि अगर कहीं आइस नहीं भी है तो आप रोल बेस्ड CLI जो है उसको बना सकें। सो हम अपने iOS में आते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त किस मोड में हूं या किस प्रिविलेज, शो प्रिविलेज में ये मुझे दिखा देगा कि मैं प्रिविलेज लेवल 15 पे हूं। क्योंकि मैं प्रिविलेज लेवल 15 में हूं, मेरे पास तमाम कमांड्स के राइट्स हैं। अच्छा, अभी मैं किस प्रिविलेज लेवल में हूं, शो प्रिविलेज मुझे बता देगा कि मैं प्रिविलेज लेवल 1 में हूं। प्रिविलेज लेवल 1 के अंदर मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड कमांड्स हैं, वही शो रन की कमांड मेरे पास यहाँ नहीं चलती जो कि प्रिविलेज लेवल 15 में चलती है। कैसे इनेबल करेंगे इन प्रिविलेज लेवल्स को? यू रिमेंबर कि हम कमांड देते हैं इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट। ये जो कमांड दी जाती है ये इनेबल मोड में आने से पहले आपसे जो पासवर्ड पूछा जाता है ये उस हवाले से है, और ये हमने अपने NA के दौर से पढ़ी हुई है। इस कमांड से हम यूजुअली कहते हैं कि सेकंड मोड में या सेकंड लेवल में आने की सिक्योरिटी है जी, राइट। सो अगर मैं इनेबल सीक्रेट सिस्को लगा देता हूं तो इनेबल लिखकर एंटर करने पर जो मैं पासवर्ड दूंगा सिस्को, वो बाय वर्च्यू ऑफ दिस कमांड एक्चुअली ये पासवर्ड मैच हुआ और मुझे आगे जाने की इजाजत मिली। अब हम तो बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रिविलेज लेवल 2 से लेकर 14 तक अवेलेबल हैं, तो हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ कैन वी यूज दीज? 1 इज देयर एंड 15 इज देयर। इसके अंदर लिमिटेड कमांड्स हैं, इसके अंदर अनलिमिटेड हैं, और इसके दरमियान में जो हैं 2 से लेकर 14 तक, ये सारे भी इस लिमिटेड की कॉपी हैं। ये सब जो 1 है वही 2 है, वही 3 है, और वही ऑल दी वे 14 तक है। बट थिंग इज कि जब मैं हैश साइन में आता हूं तो मेरा प्रिविलेज लेवल है 1। सो हैश साइन मींस मैं यहां खड़ा हूं। अच्छा, यहां पर जब मैं इनेबल लिखता हूं तो इनेबल लिखने पर मुझसे पासवर्ड पूछा जाता है। मैं यहां पे जो भी पासवर्ड है मेरा वो देने के बाद हैश साइन में आ जाता हूं। हैश साइन मींस, यूजुअली हैश साइन मींस कि मैं प्रिविलेज लेवल 15 में आ गया हूं। सो मैं यहां 1 में जा रहा हूं या 15 में जा रहा हूं। क्या तरीका है कि मैं 2 में आऊं, यानी मैं शो प्रिविलेज करूं तो वो मुझे बोले यू आर इन प्रिविलेज लेवल 2, वो मुझे बोले यू आर इन प्रिविलेज लेवल 3, ना कि सिर्फ शो प्रिविलेज करूं तो मुझे वो दिखाए आप 1 में हैं या आप 15 में हैं। तो शो प्रिविलेज पर मैं 3 में जाऊं, मैं 4 में जाऊं, मैं 5 में जाऊं, मैं 6 में जाऊं, इसके लिए हमें इस प्रिविलेज लेवल को एनेबल करना पड़ेगा। कैसे एनेबल करूं मैं प्रिविलेज लेवल 2 को? प्रिविलेज लेवल 2 को एनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको आना पड़ेगा 15 प्रिविलेज लेवल में, यानी आप प्रिविलेज लेवल 15 में आएंगे तो आप प्रिविलेज लेवल 2 को एनेबल करेंगे। एंड रिमेंबर, इस पूरी डिस्कशन में आइस का कोई रोल नहीं है, दिस इज ऑल लोकली सिग्निफिकेंट टू iOS ऑफ सिस्को।